तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो भी लेके आ रही हूँ वो आपके सामने है। तो ये है हाइड्रेंजिया की कटिंग। तो कटिंग से ये मेरा अभी निकल गया था, मैं प्लांट दिखाते दिखाते ये मेरे हाथ से कटिंग निकल गई, तो मैं इसी को ही लगाना बता रही हूँ। तो आपने इस तरह से होल करना है, होल करने के बाद इसकी दो नोड है जो वो इसमें डाल देनी है, आपने ज़मीन में लगा देनी है, ताकि वो यहीं से ही नोड एरिया से ही किसी भी प्लांट की रूट्स निकलती है। तो हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। तो इसको लगाने के बाद इसको छाया में रखना है जब तक इसकी रूट्स डेवलप नहीं हुई। 15-20 दिन ये छाया में रहेगा, उसके बाद हम इसको धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये वाला ये प्लांट है, बहुत ही हेल्दी और ये कटिंग के थ्रू ग्रो होने वाला प्लांट है, बहुत इजी ग्रो हो जाता है। तो ये है पूरा मेरा प्लांट जहाँ से ये कटिंग निकल गई थी, और ये मैंने सारे के सारे कटिंग से ही ग्रो किए हैं। तो इसके लीव्स देखो कितने प्यारे हैं, इसके कलर, और इस देखिए इसकी रूट्स इस तरह से हैं फैले हुए। और ये एक मतलब ये मेरे पास अभी 2 साल से बना हुआ है। तो इसी की केयर टिप्स आपके साथ थोड़ी सी शेयर करूंगी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये इसी से ग्रो हो जाता है कटिंग से, और इसके फ्लावर इस तरह से हैं। जो इसके फ्लावर है ना, एक एक महीने तक टिकने वाले फ्लावर हैं ये। तो ये जल्दी से मुरझाते नहीं हैं और बहुत ही गार्डन में हमारी शोभा देते हैं। ये देखिए, इसका पीला पत्ता था वो निकल गया एक अपने आप ही। तो मैं इसकी केयर नहीं कर पा रही हूँ। तो ये बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लांट है, और इसका जो फूल है ना वो देखो ऐसे लगता है जैसे वो कॉलीफ्लावर होता है ना, गोभी का फूल इस तरह से दिख रहा है। तो इसमें बड़ी सारी वैरायटी होती है हाइड्रेंजिया में, कलर अलग अलग होते हैं। इसके हाइब्रिड भी होता है और ये देसी भी होता है। तो ये पिंक कलर बहुत ही प्यारा, देखो इसमें जामनी कलर भी होता है, कॉमन से कलर है इसमें। और इसके फ्लावर्स ऐसे लगते हैं जैसे ये बड़े आर्टिफिशियल से हैं, ये देखिए ऐसे लगता है जैसे प्लास्टिक के फूल है, बहुत ही प्यारे। उसके पत्तों की शेप भी बहुत प्यारी होती है, और ये बहुत ही इजी ग्रोइंग, और मुझे तो लगता है कि ये ना विदाउट केयर प्लांट है। तो कोचिया भी मेरा इसमें लगा हुआ है साथ में। और ये देखिए, ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया था। ये देखिए यहाँ पे ये कटिंग तैयार हो गई है, और 2-3 कटिंग्स मैं लेके आई थी अलग अलग कलर की। अब जब इसमें फूल लगेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि अभी तो इसमें जो पिंक फ्लावर लगे हैं वो तो ऑलरेडी थे इसमें, मैंने कटिंग्स कहीं कहीं से आके लगा दी थी, इसमें ला के लगा दी थी। और ये देखिए इसकी मिट्टी देखो कैसी हो रही है, बिल्कुल मैं इसमें केयर ही नहीं मैंने की है, बिल्कुल भी नहीं। बस इसमें पानी देती हूँ मैं, और मैंने इसमें कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं डाला है। ये देखो मेरी कटिंग्स ना पिछले साल की ख़राब हो गई, वो देखने का भी मुझे टाइम नहीं लगा। ये देखिए सूख गई है, मैं कटिंग्स कहीं से लेके आई थी, तो कुछ कुछ मेरी सक्सेस हो गई, कुछ मेरी सूख गई। तो वो अभी मैं इसको निकाल रही हूँ, देखो ये देखो इसकी रूट्स तैयार हो गई थी, पर शायद इसको आगे सक्सेस नहीं हो पाई ना कटिंग। तो वैसे मैक्सिमम कटिंग्स इसकी सक्सेसफुल हो जाती है, मैंने कटिंग से ही इसे लगाया। ओ ये मेरा सारा निकल गया, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मैं वहाँ पे लगा चुकी हूँ, किस तरह से आपको लगाना है। ये दो नोड जो है इसकी हमारी ज़मीन में होनी चाहिए। पहले हम इसके पत्ते निकाल देंगे, पत्ते निकालने के बाद हम इसे ज़मीन में लगा देंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखा दिया कि मैंने इसे ज़मीन में लगा दिया है। तो इसी तरह से बहुत इजी ग्रोइंग है। ये दो नोड एरिया हमारी मिट्टी के अंदर होनी चाहिए और ये ऊपर होना चाहिए। तो यही है, बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। फर्टिलाइज़र वही सिंपल सा कॉटन कंपोस्ट या किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसमें डाल सकते हो, कोई ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती है फर्टिलाइज़र की। बस इसका पानी का थोड़ा ध्यान रखना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से पानी बहुत अच्छे से इसमें देना है। अगर आप इसमें पानी नहीं दोगे ये सूख भी जाएगा, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा पानी दोगे तो ख़राब हो जाएगा, और ज़्यादा मतलब पानी नहीं दोगे तो ये सूख जाएगा। तो बस यही है थोड़ी सी इसकी छोटी छोटी केयर टिप्स, जो कि मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, पर मैंने काफ़ी टाइम से इसमें नहीं की है। तो ये विदाउट केयर प्लांट ही समझो, इसमें ज़्यादा मैंने केयर मतलब मैं भूल ही जाती हूँ, ये बैक साइड में है तो इसको देखना मैं भूल ही जाती हूँ। तो आज मैं टहलते टहलते आई, यहाँ पर फूल खिले हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपने ये हाइड्रेंजिया के फ्लावर जो है वो शेयर करूँ कि मेरे पास ये भी एक प्लांट है, क्योंकि मैं इसको भूल ही गई थी। तो अगर मेरी ऐसे ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी मेरे फूलों के कलेक्शन को देखना है, प्लांट्स के कलेक्शन को देखना है, तो मेरी वीडियो में आप बने रहना।
और इसी तरह से मैं सारी वीडियो आपके सामने लेती आऊँगी कि मेरे पास कौन कौन सी वेराइटी के प्लांट है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और बहुत सारा प्यार देना। अगर मेरी वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलती हूँ मैं ऐसे ही फूलों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।